चार सालों में मुझे किसान की तरफ से समान भत्ता मिला है, सरकार की तरफ से समान भत्ता मिला है, मैं उसे अपने तन मन से पूरा समान भत्ता किसान आंदोलन को समर्पित करती हूँ। चाहूंगी कि वो किसानों की जितनी ज्यादा हो सके मदद करें, उनकी आवाज सुने। वो खुद देख रहे हैं कि वो कितना ठंड में बैठे हुए हैं, कितने दिनों से, 15 दिन हो चुके हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे उनका कोई साथ देगा? कुछ और लोगों से भी कहेंगे कि इस्तीफा दें, आगे आए किसानों के समर्थन में। जैसे कि आप बोल रहे थे, पहले भी बता रहे हैं कि जैसे जिनके पास मेडल्स हैं, जिन्होंने मेडल्स अपने खेल में थे, जिन्होंने मेडल्स अपने दिए हैं, ऐसे ही जैसे मैं भी सबसे छोटी उम्र की प्रदर्शन होने के कारण मैंने भी अपना इस्तीफा दिया है। लोग अपना आगे बढ़ चढ़ के दें, तभी सरकार को पता चलेगा कि हाँ दबाव पड़ेगा। सर, कोरोना वायरस का बहाना बना के 30% कटौती जारी कर रहे हैं और विद्या जी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय के साढ़े बच्चों यह दसना चाहता है कि उरे पाशी राजगुरु सराबे ये बड़े चिंता का विषय है कि लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि देश में जो बचाना लेके अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे से। अगर ये गल ध्यान ना दिता तो मित्रों खेती की इतने देश नहीं बचेगा। देश ने पुलवामा कांड कराया थी, 40 साढ़े जवान शहीद कराए थी, और सर्जिकल स्ट्राइक करने के चांस हो गए, वो कांड आप जिम्मे लावे। इन्ना कहना हो सारे साथियों का धन्यवाद। परम सत्कार वाहेगुरु जी की फतेह। मैनू एक घंटा स्टेज की जी भूमिका निभाने वास्ते सहाई करो। मेरे तकाजे वेखते हुए मेरा साथ देन, समय तो बाद समा ना रहन। मैं एक बेनती करनी चाहना किसान वीरों, हुण आपां जिहड़ी फैसला जिहड़ा दौर उह आपां नूं एक एक कदम फूक के रखना पवेगा। कि हिंदुस्तान च दुनिया का सब तो वड्डा अंदोलन असीं फेर करन ते जोर लाउणा है। मैं आस रख के चार सवेरे अखां खोल के रखण दी लोड़ आ। मैं ज्यादा समां नहीं लैणा, मेरे कोल लिस्ट पहुंची है। इस अंदोलन विच फंड दित्ता है दूसरा नंबर आरती एसोसिएशन।